Good morning, students. My name is Ankush and I am teaching you mathematics. आज हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे. जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. आलो क्यू लाइन. नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास एक लाइन होती है जिसके सेंटर में होती है हमारे पास जीरो. राइट हैंड साइड में हमारे पास ऑल पॉजिटिव नंबर होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर्स. इट इज नोन एज एक्स एक्सिस. मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है वो एक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहते हैं एक्स नेगेटिव. इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश से. उसके बाद हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस होता है वैसे ही हमारे पास होता है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में जीरो, अपर साइड पे ऑल पॉजिटिव नंबर, लोअर साइड पे ऑल नेगेटिव नंबर. ऐसे ही जैसे हम एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पॉजिटिव साइड पे क्या किया था एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव साइड पे क्या किया था एक्स डैश. इन द सेम वे हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव साइड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और जो नेगेटिव साइड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई डैश से. नंबर लाइन के बाद हमारे पास क्या आता है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट एक्सिस. कार्टीजन कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मतलब है, द लाइन एक्स डैश ओ इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. जो हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वाई डैश ओ वाई लाइन होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. एंड द लाइन्स एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई आर टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. जब दोनों को हम इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये देखिए हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस. हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या है, राइट हैंड साइड पे ऑल पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर हैं. इन द सेम वे सेम सेंस हमारे पास वाई एक्सिस में क्या है, अपर साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं एंड लोअर साइड पे क्या है हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं. हमने जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है एक्स से, जो नेगेटिव नंबर हैं उसके साइड पे हमने क्या लिखा है एक्स डैश. इन द सेम वे सेम सेंस हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वाई के उसे हमने डिनोट किया है वाई से, जो नेगेटिव नंबर है उसे हमने डिनोट किया है वाई डैश से. उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इकट्ठे इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं ओरिजन. क्या कहते हैं जी, ओरिजन, द प्लेस वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजन. ओरिजन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं ओ से. हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है जी, क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, जो हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई क्या करते हैं रीजन को फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द नेट्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रीजन को फोर मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम ईच पार्ट को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स कहते हैं. जो फोर मेन पार्ट्स क्वाड्रेंट होते हैं वो किस तरह हैं, हेयर दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. हमने कैसे चलना है, हमने चलना है एंटी क्लॉकवाइज. जैसे क्लॉक हमारे पास ऐसे चलती है, हमने क्लॉक के उल्ट डायरेक्शन में चलना है एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आता है 4.2 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करो. हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एक्स की, जैसे 4 है ये वैल्यू है हमारे पास एक्स की, जो हमारे पास 2 है ये वैल्यू है हमारे पास वाई की. जो एक्स की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अब्सिस्सा, और जो वाई की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट. हेयर हमारे पास क्या है, जो एक्स की वैल्यू है 4 उसे हम कहते हैं अब्सिस्सा, जो हमारे पास y की वैल्यू है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट. यहाँ पे हमारे पास जो अब्सिस्सा है वो क्या है हमारे पास 4 है, और जो ऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास 2 है. अब हमने 4.2 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है. जो ग्राफ के ऊपर हम कैसे लोकेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है, जो ये पहली वैल्यू है वो किस चीज़ की है x की, जो सेकंड वैल्यू है वो किस चीज़ की है हमारे पास y की है. सो सबसे पहले हमारे पास x कहाँ पे है, पॉजिटिव x देखिए कहाँ पे है, पॉजिटिव x ये रहा हमारे पास राइट हैंड साइड में, मैंने आपको पहले ही बताया था.
हमारे पास राइट हैंड साइड पे एक्स पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है एक्स नेगेटिव। तो हमने फोर को लोकेट किया, फोर कहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे। उसके बाद हमने क्या करना है, वाई की पोजिशन को फाइंड आउट करना है। वाई की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, वाई की वैल्यू है हमारे पास टू। तो फर्स्टली देखिए टू पॉजिटिव कहाँ पे है, अपर साइड पे या लोअर साइड पे, टू हमारे पास ये रहा अपर साइड पे। हमने क्या किया, फोर से ऊपर सीधी लाइन लेके जानी है, लाइन को बिल्कुल जाना नहीं है, जो हमारे पास टू आ रहा है वहां पे इसकी पोजीशन लोकेट कर देनी है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया 4.2। क्वेश्चन आता है कि 4.2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 4.2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4.2 हमारे पास किस क्वांट में आ गया, फर्स्ट क्वांट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। जैसे 4.2 ये किस क्वांट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वांट। एक मिनट, एक्स एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है -2.5, हमने -2.5 को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लोकेट करना है। हमें पता ही है -2 किस चीज की वैल्यू है, एक्स की, 5 किस चीज की वैल्यू हमारे पास, वाई की। हम जो एक्स की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवशिष्टा, जो y की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इस बात को ध्यान में रखना है। हमारे पास क्या है, -2 और 5 को हमने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो देखिए पहली वैल्यू किस चीज़ की हमारे पास, इधर हमारे पास है x पॉजिटिव, इधर हमारे पास है x नेगेटिव, अपर साइड पे हमारे पास है y पॉजिटिव, लोअर साइड पे हमारे पास है y नेगेटिव। नाउ अब देखो हमारे पास -2, हमने x के ऊपर y -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -2 किधर है, ये रहा -2 लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ गया 5 पॉजिटिव, 5 किस चीज़ का है, y की वैल्यू है। 5 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल सामने आ गया ये 5। तो हमने यहाँ को लोकेट किया तो क्या बन गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2.5। -2.5 किस क्वांट में लाई कर रहा है, ये -2.5 हमारे पास किस क्वांट में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो रहा थी है लोकेट -3 -5 इन द ऑन द ग्राफ सिस्टम। हमने क्या किया, ऐसे ही ग्राफ ड्रा किया। आपको पता चल ही चुका होगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, एक्स नेगेटिव, अपर साइड पे क्या होता है हमारे पास, वाई पॉजिटिव, लोअर साइड पे क्या होता है हमारे पास, वाई नेगेटिव। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। हमारे पास पॉइंट ले लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही इसको आपने स्केल से ड्रा करना है, मैं आपको रफली बता रहा हूं। यहां पे ऐसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, लोअर साइड पे -1, -2, -3, -4, -5। हमने क्या करना है, -3 और -5 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो हमारे पास देखिए -3 और -5 कहाँ पे आ गई, ये रहा हमारे पास -3, वाई की वैल्यू कहाँ हमारे पास -5, ये रही -3 और -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही हम फोर्थ डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे भी किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है, हमारे पास पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास नेगेटिव और वाई की वैल्यू होती है हमारे पास पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। एक्स आएगा नेगेटिव और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, जो एक्स है और वाई है दोनों की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। एक्स भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव और वाई है, वाई भी हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होएगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्या -5.3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने आपको पहले बताया है -5.3 एक्स क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव
ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर भी लोकेट करके दे सकते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था -5.3, -5 की वैल्यू ये रही हमारे पास एक्स का -5, और 3 वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही -5.3, किस क्वांट में आ गया, ये सेकंड क्वांट में। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको उस तरीके से कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा आज तक का लेक्चर यहीं पे था, अब मैं आपको कुछ सम दे रहा हूँ, वो आपने अपने घर पे डिस्कस करनी है। और अपने अब हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट, जितना हमने किया है आपने उस काम की घर पे रिवीजन करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो पॉइंट्स है इसको अपनी कॉपी के ऊपर भी लोकेट करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। नाउ हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट का, लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 2.5, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपने इसको लोकेट करना है 2.5 को, ये किस क्वांट में आएगा और इसकी पोजीशन क्या होगी। सेकंड वन 4.-3, थर्ड वन -5.-7, फोर्थ वन -3.2 एंड फिफ्थ 5.-2। आपने इन 5 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। आप इसे एफ ग्राफ के ऊपर भी लोकेट कर सकते हैं, इसको अलग अलग ग्राफ के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू। अगर आपने एक ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है, ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करना, जो फर्स्ट 2 हैं उसको एक ग्राफ के ऊपर लोकेट कर लेना, जो बाकी 3 हैं उसको नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करके उसके ऊपर लोकेट कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमने डिस्कस किया है उस रिगार्डिंग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू डैश पार्ट्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है। सेकंड वन, द प्लेस वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज डैश, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं। थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डैश, एंड फोर्थ वन द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड डैश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये देखिए हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या है, राइट हैंड साइड पे ऑल पॉजिटिव नंबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास ऑल नेगेटिव नंबर हैं। इन द सेम वे सेम सेंस हमारे पास वाई एक्सिस में क्या है, अपर साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर हैं एंड लोअर साइड पे क्या है हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। हमने जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है एक्स से, जो नेगेटिव नंबर हैं उसके साइड पे हमने क्या लिखा है एक्स डैश। इन द सेम वे सेम सेंस हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वाई के उसे हमने डिनोट किया है वाई से, जो नेगेटिव नंबर है उसे हमने डिनोट किया है वाई डैश से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इकट्ठे इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं ओरिजन। क्या कहते हैं जी, ओरिजन, द प्लेस वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजन। ओरिजन को हम किस चीज से डिनोट करते हैं ओ से। हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है जी, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स में क्या होता है, जो हमारे पास एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई क्या करते हैं रीजन को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रीजन को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम ईच पार्ट को क्या कहते हैं क्वाड्रेंट्स कहते हैं। जो 4 मेन पार्ट्स क्वाड्रेंट होते हैं वो किस तरह हैं, हेयर दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने कैसे चलना है, हमने चलना है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक हमारे पास ऐसे चलती है, हमने क्लॉक के उल्ट डायरेक्शन में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ वी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आता है 4.2 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करो। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एक्स की, जैसे 4 है ये वैल्यू है हमारे पास एक्स की, जो हमारे पास 2 है ये वैल्यू है हमारे पास वाई की। जो एक्स की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं अब्सिस्सा, और जो वाई की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। हेयर हमारे पास क्या है, जो एक्स की वैल्यू है 4 उसे हम कहते हैं अब्सिस्सा, जो हमारे पास y की वैल्यू है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। यहाँ पे हमारे पास
जो अबसिस है वो क्या है हमारे पास 4 है और जो ऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास 2 है। अब हमने 4,2 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। जो ग्राफ के ऊपर हम कैसे लोकेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है जो ये पहली वैल्यू है वो किस चीज़ की है x की, जो सेकंड वैल्यू है वो किस चीज़ की हमारे पास y की है। सो सबसे पहले हमारे पास x कहाँ पे है, पॉजिटिव x देखिए कहाँ पे है, पॉजिटिव x ये रहा हमारे पास राइट हैंड साइड, मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास राइट हैंड साइड पे x पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है x नेगेटिव। तो हमने 4 को लोकेट किया, 4 कहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे। उसके बाद हमने क्या करना है, y की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे आ रही है, y की वैल्यू है हमारे पास 2। तो फर्स्टली देखिए 2 पॉजिटिव कहाँ पे है, अपर साइड पे या लोअर साइड पे, 2 हमारे पास ये रहा अपर साइड पे। हमने क्या किया, 4 से ऊपर सीधी लाइन लेके जानी है, लाइन को बिल्कुल जाना नहीं है, जो हमारे पास 2 आ रहा है वहां पे इसकी पोजीशन लोकेट कर देनी है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया 4,2। क्वेश्चन आता है कि 4,2 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 4,2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4,2 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। जैसे 4,2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक मिनट, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास है -2,5, हमने -2,5 को कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लोकेट करना है। हमें पता ही है -2 किस चीज़ की वैल्यू है, x की, 5 किस चीज़ की वैल्यू हमारे पास, y की। हम जो x की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, अबसिस्सा, जो y की वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इस बात को ध्यान में रखना है, हमारे पास क्या है -2 और 5 को हमने ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो देखिए पहली वैल्यू किस चीज़ की हमारे पास, इधर हमारे पास है x पॉजिटिव, इधर हमारे पास है x नेगेटिव, अपर साइड पे हमारे पास है y पॉजिटिव, लोअर साइड पे हमारे पास है y नेगेटिव। नाउ अब देखो हमारे पास -2, हमने x के ऊपर y -2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -2 किधर है, ये रहा -2 लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद हमारे पास आ गया 5 पॉजिटिव, 5 किस चीज़ का है, y की वैल्यू है। 5 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल सामने आ गया ये 5। तो हमने यहाँ को लोकेट किया तो क्या बन गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2,5। -2,5 किस क्वांट में लाई कर रहा है, ये -2,5 हमारे पास किस क्वांट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक एग्जांपल हो रहा थी है लोकेट -3, -5 इन द ऑन द ग्राफ सिस्टम, हमने क्या किया ऐसे ही ग्राफ ड्रा किया। आपको पता चली चुका होगा हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या होता है एक्स पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है एक्स नेगेटिव, अपर साइड पे क्या होता है हमारे पास वाई पॉजिटिव, लोअर साइड पे क्या होता है हमारे पास वाई नेगेटिव। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। हमारे पास पॉइंट ले लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, इसको आपने स्केल से ड्रा करना है, मैं आपको रफली बता रहा हूं। यहां पे ऐसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, लोअर साइड पे -1, -2, -3, -4, -5। हमने क्या करना है, -3 और -5 को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। तो हमारे पास देखिए -3 और -5 कहाँ पे आ गई, ये रहा हमारे पास -3, वाई की वैल्यू कहाँ है हमारे पास -5, ये रही -3 और -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही हम 4 डिस्कस किया था, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे भी किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है, जहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, एक्स भी हमारे पास पॉजिटिव होता है और वाई की वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, प्लीज ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास नेगेटिव और वाई की वैल्यू होती है हमारे पास पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव आएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, एक्स आएगा नेगेटिव और जो वाई की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी पॉजिटिव। ऐसे ही हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, जो एक्स है और वाई है दोनों की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, एक्स भी हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव और वाई है वाई भी हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव। ऐसे हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होएगा, प्लीज ध्यान से सुनिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी
पॉजिटिव आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास नेगेटिव। फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है हमारे पास एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव, वाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास नेगेटिव। हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्या -5.3 ये किस क्वांट में लाई करेगा, मैंने आपको पहले बताया है -5.3 एक्स क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव, वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास पॉजिटिव। तो देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव ये वैल्यू क्या है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, तो ये किस क्वांट में लाई करेगा, इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर हम ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको क्या करते हैं ग्राफ के ऊपर भी लोकेट करके दे सकते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था -5.3 -5 की वैल्यू ये रही हमारे पास एक्स का -5 और 3 वैल्यू क्या है हमारे पास ये रही -5.3 किस क्वांट में आ गया ये सेकंड क्वांट में। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको उस तरीके से कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमारा आज तक का लेक्चर यहीं पे था, अब मैं आपको कुछ सम दे रहा हूँ वो आपने अपने घर पे डिस्कस करनी है और अपने अब हम डिस्कस कर रहे हैं असाइनमेंट, जितना हमने किया है आपने उस काम की घर पे रिवीजन करनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है तो आप ये जो पॉइंट्स है इसको अपनी कॉपी के ऊपर भी लोकेट करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। नाउ हमारे पास क्या है जो फर्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट का, लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। आपने क्या करना है इन पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास 2.5, मैंने आपको पहले ही बताया है आपने इसको लोकेट करना है 2.5 को, ये किस क्वांट में आएगा और इसकी पोजीशन क्या होगी। सेकंड वन 4.-3, थर्ड वन -5.-7, फोर्थ वन -3.2 एंड फिफ्थ 5.-2। आपने इन 5 पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है। आप इसे एक ग्राफ के ऊपर भी लोकेट कर सकते हैं, इसको अलग अलग ग्राफ के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं, दैट डिपेंड ऑन यू। अगर आपने एक ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है ऐसी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या करना, जो फर्स्ट 2 हैं उसको एक ग्राफ के ऊपर लोकेट कर लेना, जो बाकी 3 हैं उसको नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करके उसके ऊपर लोकेट कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है फिल इन द ब्लैंक्स, हमने डिस्कस किया है उस रिगार्डिंग है कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिवाइड द प्लेन इनटू डैश पार्ट्स, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती है। सेकंड वन द प्लेस वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज नोन एज डैश, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं। थर्ड वन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डैश एंड फोर्थ वन द वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड डैश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching our video. For more updates, subscribe our channel Knowledge Hub 50. Thank you.